नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर एक छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि शिमला मिर्च को हम कैसे लंबे समय के लिए स्टोर करेंगे, क्योंकि ये हर जगह हर समय नहीं मिलती हैं और हमें किचन में चाहिए ही होती है। जब कभी हम अच्छी डिश बनाएं तो अच्छी लुक, अच्छी फ्लेवर और अच्छी टेस्ट के लिए हमें ये चाहिए ही होती है। तो हम कैसे इसे लंबे समय के लिए स्टोर करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो मैंने स्टोर करने के लिए 3 कलर का यहाँ पर शिमला मिर्च लिए हैं। देखिए, ये रेड, येलो और ग्रीन है। तो चलिए इन्हें मैं स्टोर करना बताती हूँ। और मैं शिमला मिर्च को अच्छी तरह से पानी से वॉश करके और कपड़े से पोंछ कर सुखा लिए हैं, तभी हम इसे काटेंगे। तो इस तरह से बीच में चीरा लगाकर और इसे इसका बीज निकालेंगे इनसे। अब इन्हें अपने मन पसंद शेप में काट सकते हैं। तो सबसे पहले बीज निकाल लेते हैं इनका। तो इस तरह से चाकू से इसे अलग करेंगे बीज को। बहुत आसानी से निकल जाते हैं इस तरह से बीज। तो अब इन्हें काट सकते हैं हम। तो अभी चाहे तो आप सभी शेप में, जिन शेप में आपको चाहिए उस शेप में काट सकते हैं, अथवा बड़े बड़े टुकड़े में काट कर रख ले और यूज करते समय जिस डिश में हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम काट कर यूज कर सकते हैं। तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो चलिए मैं काट लेती हूँ सभी को इसी तरह से, और लंबे लंबे चाहे तो रखें या अथवा इससे भी छोटे छोटे पीस करें, आपकी इच्छा है। तो देखिए, बहुत पतले पतले भी काट सकते हैं और छोटे छोटे भी। तो अभी मैं सभी शिमला मिर्च को इसी तरह से काट लेती हूँ। तो देखिए, मैंने सभी काट लिए हैं और एक ही शेप में मैं अभी काटी हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी ही ली थी। तो इसलिए यदि ज़्यादा मात्रा में ले रहे तो अलग अलग शेप में काट कर रख लीजिए। तो अब हम इन्हें पैक करके रखेंगे। तो पैक करने के लिए कोई जिप्लॉक बैग ले अथवा कोई एयर टाइट कंटेनर ले लें। तो चलिए मैं इसमें पैक करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से शिमला मिर्च को इसमें भर लेंगे। और इस तरह का पाउच नहीं हो तो आप नॉर्मल पाउच में भी भरकर और रबर लगाकर रख सकते हैं। तो सभी शिमला मिर्च को इसी तरह से रखकर और पैक कर लेते हैं। तो लीजिए, मैंने पैक कर लिए हैं सभी रखकर, और देखिए देखने में कितनी कलरफुल लग रही है ये। तो अब हम इन्हें फ्रिज में रखेंगे तो 10 से 15 दिन चलेंगे आसानी से, और फ्रीजर में रखेंगे तो बहुत लंबे समय तक चलेंगे। तो आप जैसे भी कर सकते हैं, यदि लंबे समय के लिए रखनी हो तो आप फ्रीजर में रखें, और बहुत कम समय के लिए रखनी हो तो फ्रिज में रखें जिसमें हम सब्जी वगैरह रखते हैं। तो अब आपको जब कभी ये मिले बाहर तो खरीद कर ले आइए और इस तरह से आप स्टोर करके रखिए, और इसकी जब ज़रूरत हो किचन में तब इसे निकाल कर अपनी मनपसंद डिश बनाइए इनसे। तो आज की ये मेरी छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ।